की बात करते हैं लखनऊ से, एक और अहम खबर। आज बीजेपी एमएलसी की दूसरी लिस्ट आने वाली है। बीजेपी जारी करेगी यूपी एमएलसी की दूसरी लिस्ट। 6 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी होगी। कल 30 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी। कल एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। नामांकन से पहले एमएलसी प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा रहा है। सभी 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, 12 को मतगणना की जाएगी। तो इनमें से ज्यादा एमएलसीयों को मौका उनको दिया गया है जो कि दूसरी पार्टी से यहां पर आए हैं। ज्यादातर सपा के एमएलसी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं चुनाव में, ऐसे में उनको तवज्जो दी गई है। तो दूसरी लिस्ट का ऐलान भी आज हो सकता है, दूसरी लिस्ट आ सकती है। 6 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से आज जारी की जाएगी। और ये बता दें आपको, सभी 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतगणना होगी, मतदान होगा, और 12 को मतगणना की जाएगी। बीजेपी एमएलसीयों की दूसरी ये जो लिस्ट है, 6 एमएलसी होंगे इस लिस्ट में जिनके नाम जारी होंगे। 30 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी, 36 टोटल ये संख्या है। वहीं इसी खबर से जुड़ी एक और खबर, एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सिंबल लेने पहुंचे बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी। सिंबल के लिए पहुंचे रामचंद्र प्रधान और विधायक योगेश जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद की जंग का आगाज हो चुका है और कल नामांकन का अंतिम दिन है। इससे पहले कल बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और तमाम जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपना अपना सिंबल लेने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी हैं और इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। कितनी चुनौती लग रही है, क्योंकि काफ़ी एक लंबा इंतजार आपको करना पड़ गया जब आप दल छोड़कर आए थे बसपा, तो उसके बाद से अब जाके आपको जो है एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे बहुत बड़े योग्य और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे नेता हैं। उसमें हम लोगों का भी नंबर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कभी ना कभी एक सच्चे कर्मठ और ईमानदारी से जो पार्टी में काम करता है उसे निश्चित एक मौका मिलता है। इस बार के जो स्थानीय चुनाव हैं निकाय के, उनमें खास तौर से जो जिम्मेदारी है विधायकों को भी दी गई है। योगेश जी हैं विधायक हैं नवनिर्वाचित, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है विधायकों को भी, क्योंकि विधान परिषद में भी जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाना है और ज़्यादातर इस बार के चुनाव में ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। 12 तारीख को जब गिनती होगी, 36 सीटों में सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। आप देखिएगा कि हमें पूर्ण बहुमत के साथ परिषद में भी हम लोग आ जाएंगे। इस बार की लड़ाई टफ नहीं होगी? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। क्षेत्र के कार्यकर्ता जो मतदाता इसमें हैं, प्रधान बंधु हैं, BDC हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जो हमारे सभासद हैं, सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखिएगा कि कोई भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। कह सकते हैं कि जिन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है वो उम्मीदवार आज बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपना अपना सिंबल जो है वो ले रहे हैं। और इसी तौर पे कहा जा सकता है कि कल चूंकि नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा मुख्यालय पहुंचकर अपना सिंबल लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।